प्रिय विद्यार्थियों आइडियल वर्ल्ड विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया के रचना के आधार पर भेद। क्रिया के रचना के आधार पर चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता हो या दूसरे से कार्य करवाता हो, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे पिताजी चालक से कार चलवाते हैं, यानी पिताजी स्वयं कार्य न करकर चालक को प्रेरणा देकर कार चलवाते हैं, खुद न करकर किसी दूसरे से काम को करवाते हैं या उसको प्रेरणा देते हैं करने के लिए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। फिर है पूर्वकालिक क्रिया, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, पहले मुख्य जो क्रिया बाद में होनी चाहिए उससे पहले ही अगर कोई क्रिया हो जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अंजना ने घर जाकर फोन किया, यहाँ अंजना ने घर जाकर फोन किया, यानी फोन करने की जो मुख्य क्रिया है उससे पहले ही अंजना ने घर जाकर एक क्रिया कर दी, यानी जाकर क्रिया, ये यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया कर या करके लगकर ही बनती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद पढ़े दो ऑनलाइन क्लास में। पहले संयुक्त क्रिया पढ़ी, फिर नाम धातु क्रिया, आज हमने पढ़ी है प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह जिससे कर्ता स्वयं कार्य न करकर किसी दूसरे से कार्य करवाता है या उसे करने की प्रेरणा देता है। पूर्वकालिक क्रिया वह जो मुख्य क्रिया से पहले ही कोई क्रिया हो जाती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं लगभग कर या करके मूल धातु में कर या करके लगने से ये क्रियाएं बनती है। इस तरह से हमारा आज की ऑनलाइन क्लास के साथ ही क्रिया का अध्याय पूरा हुआ। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।